जुर्मेसी में आपका स्वागत है। देखते हैं प्रश्नावली 2L। पहला सवाल कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त जो इस पर सर्वसमिका लगनी हो, तो पहला सवाल कह रहा है x प्लस चार, x प्लस दस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए सेम है, ठीक, सेम जो हो और a और b चेंज है, यक्स यक्स दिया है और a और b अलग अलग दिया हो, तो लिखते हैं यक्स का स्क्वायर और a और b को जोड़ते हैं, फिर बाहर x और फिर a और b की गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे से समझिए, यक्स स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ना है, यानी a कितना है चार और b कितना है दस और बाहर कितना लिखना है यक्स प्लस a और b की गुणा करना है। तो आंसर आ गया हमारा यक्स स्क्वायर प्लस चार और दस चौदह, एक्स प्लस चार और दस की गुणा चालीस, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर वही बात, यक्स यक्स दिया ए और बी अलग अलग दिए हैं, तो देखिए अच्छे से क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए और बी को जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है, आठ माइनस दस बाहर यक्स गुणे आठ गुणे माइनस दस, ठीक, आठ ए और बी लिखना होता है इसमें, यक्स स्क्वायर आठ में से दस गया माइनस का दो, यानी माइनस का दो यक्स और यहाँ आठ दहाम अस्सी आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी वही बात, देखिए ये सेम है और ए और बी चेंज है, तो देखिए ए यानी यक्स स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए और बी लिखना है, ए और बी और बाहर क्या लिखना है यक्स, तो यक्स कितना है तीन यक्स, फिर प्लस ए और बी की क्या करना है गुणा करना है, ठीक। अब देखते हैं ये हो जाएगा हमारा नौ यक्स स्क्वायर और चार में से पाँच गया एक, वो भी माइनस का, माइनस से इसमें गुणा करेंगे माइनस का तीन एक्स और चार पंचे बीस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, यानी यक्स यक्स प्लस ए, ठीक, अगर एक ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, यानी ए देखिए सेम है बी भी सेम है, ए प्लस बी ए माइनस वही चीज़ लिखी, वाई स्क्वायर तीन बटे दो, वाई स्क्वायर तीन बटे दो, बस फर्क कितना है प्लस और माइनस का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हल करने पर आ जाएगा वाई की घात चार माइनस तीन बटे दो, तीन बटे दो ये हो जाएगा नौ बट्टे चार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही समझिए, ए देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, देखिए सेम क्या तीन दो एक्स तीन दो एक्स, बस फर्क कितना है प्लस और माइनस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा दो दुना चार एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, 103 प्लस 107, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 और इससे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए ये बन गया हमारा यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी और बाहर क्या होता है यक्स प्लस ए बी की गुणा, यानी तीन गुणे सात, तो सौ का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस तीन और सात दस और दस की सौ से गुणा होगी तो हो जाएगा 1,000 प्लस तीन सते 21, तो 10,000 1,000 ये हो गया 11,021 टोटल आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसको, इसे लिखेंगे 100 माइनस पाँच 95 को और 96 को लिखेंगे 100 माइनस चार, ठीक। अब देखिए ए मतलब यक्स ए यक्स माइनस ए यक्स माइनस बी, तो ये होता है यक्स स्क्वायर प्लस ए और बी बाहर यक्स, ठीक, और प्लस ए बी माइनस का पाँच गुणे माइनस का चार, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000। अब देखिए माइनस पाँच और माइनस चार माइनस नौ और माइनस नौ की जब इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 900 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का कितना 20। अब देखिए 10,000 में से 900 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 9,100
और उसमें अगर 20 जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9120। देखिए 10,000 में से 900 घटाया गया तो 9100 बचा, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 9120। 104 और 96 की गुणा, तो देखिए इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसे लिखेंगे 100 माइनस 4। अब अगर इसी सूत्र से लगाया, ऐसे तो बन गया हमारा ए, देखिए ये बन गया हमारा, अच्छे से समझिए, ए स्क्वायर कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बना सूत्र, ठीक। लेकिन यही हमारा निकल कर आएगा, देखिए कैसे अभी देखते हैं। देखिए अगर इस सूत्र का यूज करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए और बी को जोड़ना होता है, जोड़ना मतलब जो निशान लगा वही लगाते हैं, ठीक, और बाहर यक्स लिखते हैं गुणे ए और बी, ठीक। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000 प्लस 4 में से 4 गया 0 और 0 की 100 से गुणा यानी 0 और ये 4 चक्कू 16। आंसर देखिए वही आ गया, 10 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 चक्कू 16। देखिए 10,000 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा, 9,984 आ जाएगा। कीजिए 10x की घात 4y माइनस 10x y की घात 4। अब इसमें देखिए यही सूत्र लगेगा, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब बनना है तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, अगले ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर माइनस a और b की गुणा फिर b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से, a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 10xy कामन ले लेंगे, देखिए 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी और x y भी मिल रहा है तो यहाँ पर बचा x क्यूब और यहाँ पर बचा माइनस का वाई क्यूब, ठीक। अब देखिए प्लस वाले में यहाँ पर प्लस होता है और माइनस वाले में अच्छे से समझिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस वाले में माइनस होता है और यहाँ पर जो बाकी होते हैं वो सब प्लस का होता है, ठीक, समझ गए, ये माइनस वाला सूत्र हो गया प्लस का, तो यहाँ पर अब माइनस वाला सूत्र लग गया। तो देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए है और ये बी है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में समझिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो समझिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी कितना एक्स और वाई प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर समझिए, इसको समझिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो अब अच्छे से समझिए ये ए है ये बी है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, देखिए ऐसे समझ, इसको जब स्क्वायर करेंगे यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसको खोलने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस वाले में क्या होता है माइनस ए और बी, इसकी उसकी गुणा करें तो एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक, यह हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो क्यूब लगा है वो यक्स के ऊपर लगा है और वाई के ऊपर लगा है, 8 के ऊपर तो नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2xy का होल क्यूब, ये 8xy क्यूब ही लिखा है प्लस इसी प्रकार से जो 27 इसको लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब। अब ये हो गया a और ये हो गया b, a क्यूब b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो चाहे तो एक बार लिख दें ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी प्लस बी स्क्वायर, 3a का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2xy प्लस 3a, यहाँ पर ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2×6xy a प्लस 3×9a स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिए, हमको 12 वाला सूत्र नहीं पता, हमको क्यूब वाला पता है, तो इसको लिख सकते हैं हम a की घात 4 की घात 3, ठीक, प्लस b की घात 4 की घात 3। अब देखिए ए की घात 12 हो गया, बी की घात 12। अब देखिए ये है जो ये इतना है, ये ए है और ये बी है, तो एक ब्रैकेट में ए
प्लस बी, ठीक, ये ए है और ये बी है। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ए की घात चार की घात दो, तो ये हो जाएगा आठ। तो चाहे हम डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक, ए की घात आठ माइनस ए और बी, ए और बी की गुणा करेंगे तो ए की घात चार बी की घात चार प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बी की घात आठ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें यही सूत्र लगेगा हमारा, ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी ए। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर माइनस लगाया कहीं पर प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर सूत्र प्लस वाला लिखा है, तो सूत्र हमारा प्लस वाला ही रहेगा, लेकिन जो निशान लगाया उस निशान को रखेंगे हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, टू आई का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, क्योंकि बी में कितना है, टू आई, सिर्फ वाई नहीं है, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर यानी फोर जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू लिखा, ए लिखा और बी लिखा, फिर प्लस टू बी सी बी सी, फिर प्लस टू सी ए फोर जेड और ए। अब देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर करेंगे तो दो दुना चार वाई स्क्वायर प्लस चार चक्कू सोलह जेड स्क्वायर प्लस दो दुना चार एक्स वाई प्लस दो दुना चार चार चक्कू सोलह वाई जेड प्लस दो चक्कू आठ आठ जेड एक्स लिखें या एक्स जेड लिखें, ठीक, हमारा दोनों आंसर सही होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, ए बी सी। तो देखिए ए ए स्क्वायर प्लस, निशान सहित रखेंगे, ठीक, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, निशान सहित, ठीक, प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा दो दुना चार एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये आ गया जेड स्क्वायर। अब देखिए दो दुना चार, वो भी किसका आएगा, माइनस का चार एक्स वाई, दो माइनस का टू वाई जेड प्लस का दो दुना चार जेड एक्स, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे में देखते हैं ए बी सी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, सब निशान सहित रखा हमने, जो माइनस था माइनस, फिर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, ठीक, प्लस टू सी ए, ठीक। अब बात करते हैं इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यह आ जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन तेरह नौ वाई स्क्वायर, ये प्लस का आएगा और ये दो दुना चार जेड स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं आएगा क्योंकि दो दुना चार तीन बारह, वो भी किसका, माइनस का बारह, माइनस का बारह एक्स वाई। अब देखिए दो तीन छः, छः दून बारह, बारह वाई जेड, दो दुना चार दुनी आठ, माइनस का आठ जेड एक्स, हमारा आंसर हो जाएगा थ्री ए माइनस सात बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी, तो देखिए निशान सहित रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी माइनस सात बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, ठीक, टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा तीन तिया
नौ ए स्क्वायर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सात सत्ते उनचास बी स्क्वायर, प्लस माइनस का है लेकिन प्लस का आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो तीय छः सत्ते बयालीस, वो भी किसका, माइनस का, बयालीस ए बी। अब देखिए दो सत्ते चौदह, वो भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का दो सत्ते चौदह बी सी। फिर देखिए दो तीय छः, वो भी किसका आएगा, माइनस का छः सी ई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की, ए माइनस ए माइनस दो एक्स और प्लस का पाँच वाई माइनस का तीन जेड, तो ए बी सी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब देखिए इसको हल जब करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस का पचम पच्चीस वाई स्क्वायर प्लस तीन तीन नौ जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो दुना चार पंचे बीस, वो भी किसका आएगा, माइनस का, माइनस का बीस एक्स वाई, यहाँ पर दो पंचे दस तीय तीस, वो भी किसका, माइनस का तीस वाई जेड, दो तीय छः, छः दूर बारह, वो भी किसका आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बारह जेड एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं छठे पॉइंट की, एक बटे चार ए माइनस एक बटे दो बी प्लस का वन, ए ए बी सी है ये, ठीक। तो देखिए एक बटे चार ए यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब देखिए अच्छे से इसका स्क्वायर हो जाएगा एक बटे सोलह ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक बटे चार बी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक। अब यहाँ पर समझिए ए दो से दो जाएगा कट, तो आ गया हमारा माइनस का एक बटे चार ए बी, ठीक। यहाँ पर समझिए ये दो से दो गया कट तो आ गया खाली माइनस का बी, यहाँ पर समझिए दो से ये कटेगा तो एक बटे दो फिर भी रह जाएगा, प्लस का एक बटे दो ए, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो देखिए चार एक्स स्क्वायर नौ वाई स्क्वायर प्लस सोलह जेड स्क्वायर बारह एक्स वाई माइनस चौबीस वाई जेड माइनस सोलह एक्स जेड। तो देखिए इसको हम ले सकते हैं दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको हम ले सकते हैं तीन वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको हम ले सकते हैं चार जेड का होल स्क्वायर प्लस इसको हम ले सकते हैं दो दो एक्स प्लस तीन वाई, फिर प्लस दो चौबीस को ले सकते हैं तीन वाई गुणे फोर जेड, फिर प्लस दो सोलह को ले सकते हैं चार जेड गुणे दो एक्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाला पॉइंट है क्या, क्योंकि देखिए इसको तो ये सही है यहाँ तक। अब देखिए बारह एक्स वाई ये भी दो दोनों चार थे बारह एक्स वाई आ गया, माइनस का चौबीस लाना है क्योंकि हमारा ला रहे हैं दो तीन छः चौक चौबीस प्लस का आ रहा है, ये भी दो चक्कू आठ दुना सोलह जेड एक्स यानी प्लस का आ रहा है जबकि इसमें क्या आ रहा है माइनस का। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है ये माइनस का कब आएगा, जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी, इसमें भी माइनस का कब आएगा जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी, और ये प्लस का कब आएगा जब दोनों संख्या या तो फिर प्लस की होंगी या फिर दोनों संख्या माइनस की होंगी। अब यहाँ पर हमको बनाना है, देखिए उत्तरमाला पर कोई जरूरी ध्यान नहीं, जो उत्तरमाला में दिया वही सही है, थोड़ा गलत भी हो सकता है यानी मतलब दूसरा भी आंसर सही हो सकता है। तो देखिए क्या करना चाहेंगे हम, अगर इसको दोनों को हम प्लस ही रखते हैं यानी दो एक्स और तीन वाई को हम प्लस रखते हैं तो इसको यानी इसको हमको ये हमारा माइनस करना होगा। देखिए कैसे अभी देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो देखिए
इसका स्क्वायर सही है, ये आ गया इसका स्क्वायर सही, इसका स्क्वायर ये सही है। अब देखिए 2ab इसकी गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा। अब इसके यानी यहाँ पर जो माइनस लगाया तो यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए ये हमारा पॉइंट सही हो गया। अब यहाँ पर जो लगा है तो यहाँ पर ठीक। अब देखिए चार जेड के साथ हमने माइनस लगा दिया, हर बार समझिए चार जेड के साथ हमने माइनस लगाया तो ये आ गया, अच्छे से समझिए 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो सही है दूसरा आंसर अगर हम चाहते तो वो भी सही हो जाता। कौन सा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab फिर 2bc फिर 2ca। अब देखिए हमारा ये भी संतुष्ट हो रहा है, दो दुना चार तेरह 12xy, दो तेरह छः चौक 24 yz माइनस का, और दो चक्कू 8 दुना 16 माइनस का zx। और दूसरा भी सही हो सकता था, वो दूसरा क्या हो सकता है ये समझिए। अगर हम ये हमको प्लस का लाना है तो अगर हम दोनों माइनस का कर देते हैं ठीक, देखिए माइनस का ये कर दे और माइनस का ये कर दे, दोनों माइनस का कर दे। अब देखिए अच्छे से समझिए, माइनस का 2x और माइनस का 3y प्लस का 4z। अब देखिए अब क्या संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? देखिए इसका स्क्वायर ये सही, ये सही और इसका ये सही। अब देखिए 2ab इसको लाना है ठीक, तो देखिए माइनस का 2x माइनस का 3y, अब देखिए ये 12xy ही आ जाएगा। फिर देखिए माइनस का ये है प्लस का ये है, ये संतुष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, अब भी हमारा संतुष्ट हो रहा है, यानी इसका ये स्क्वायर भी हो सकता है। देखिए ए प्लस बी माइनस का भी करते हैं तब भी यही आएगा ठीक, खोल दें तो यही आएगा, और इसका भी स्क्वायर करें तो हमारा यही आएगा। जरूरी नहीं कि हम इसको लिखेगा, आप कोई भी हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं कि क्या रूट 2x का स्क्वायर इसका लिख सकते हैं, रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 8 को समझिए अच्छे से, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 गुणे 2√2, क्योंकि 2 दुना 4 समझ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का और साथ में है जेड का स्क्वायर प्लस 2ab ठीक, 2a ए कितना है रूट एक्स फिर बी प्लस 2b 2√2 जेड प्लस 2√2 जेड गुड़े ए कितना है, ए है 2√2x। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये भी करेंगे ये आ जाएगा ठीक। माइनस इसको समझिए 2√2xy आ रहा है, 2 दुना 4√2yz आ रहा है, 2 दुना 4√2 यानी 8xyz आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस वाला तो प्लस आ रहा है माइनस वाला भी प्लस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माइनस जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, तो हम आंसर समझने जा रहे हैं। तो देखिए ये है हमारा ए और ये है बी और ये है सी। अब देखिए इसके दो आंसर हो सकते, क्या देखिए ये प्लस का आ रहा है तो यहाँ पर प्लस का, जबकि सवाल में क्या है माइनस का, तो माइनस का कब आएगा जब इसमें से कोई एक संख्या माइनस की कर दें, ये जरूरी नहीं कि ए वाला माइनस करें या फिर बी वाला, अगर हम ए वाला माइनस करें ठीक। देखिए दो आंसर दोनों जगह लिख रहे हैं ठीक, रूट 2x वाई 2√2z का स्क्वायर। अब देखिए दोनों समझिए अच्छे से, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं, अब देखिए इसको संतुष्ट कर रहा है 2√2 माइनस का एक्स वाई ये आ गया, अब जब इसको माइनस कर रहे हैं तो ये अब किसका आएगा, देखिए ये प्लस का आ रहा है, ये हमारा 2 दुना 4√2yz आ गया, फिर प्लस इसको समझिए यहाँ पर हमने माइनस रखा था 2 के साथ ठीक, यानी हमारा आ गया माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√z का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है ठीक। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक, यानी हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2bc 2ca ठीक। अब देखिए ये संतुष्ट हो गया, अगर हम यहाँ पर इसको ना करके दूसरे में लगाते, कहाँ पर लगाना चाहते, वाई के साथ माइनस ठीक, तो देखिए ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसके साथ लगा रहे हैं ना, बी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, ठीक। हाँ तो यहाँ हमारे इसके साथ भी लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी लग रहा है टू ए बी टू बी सी फिर टू सी और ए। अब देखिए संतुष्ट हो रहा है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी, वो भी माइनस का आ जाएगा दो रूट दो, फिर टू बी सी दोनों माइनस का तो ये हमारा प्लस का आ गया, और फिर टू सी ए, यानी ये भी, चाहे ये आंसर लिख दो चाहे ये आंसर लिख दो, कोई भी आंसर लिख दो। पंचकों के गुणनखंड कीजिए, तो देखिए आठ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस प्लस टू बी एक्स, तो आठ ए माइनस बी क्यूब को पहले अच्छे से समझते हैं। आठ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आठ ए इस प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका एक ब्रैकेट में होता है, अच्छे से समझिए, ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छे से समझिए, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर हल करने पर, ठीक। इसको जब लिखेंगे टू ए का होल स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं फोर ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं होता है ए बी होता है, तो टू मतलब इसकी और इसकी गुणा की तो ए बी हो गया, टू ए और बी की गुणा किया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं हम, कितना कॉमन ले रहे हैं, माइनस का दो यक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा प्लस का टू ए और यहाँ पर बचेगा माइनस का, टू यक्स कॉमन लिया तो माइनस का बी। अब देखिए अच्छे से इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, टू ए माइनस बी और टू ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, टू ए माइनस बी कॉमन जब ले लेंगे, टू ए माइनस बी कॉमन जब लिया तो इसमें क्या बचा, फोर ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसमें क्या बचा, माइनस का दो यक्स, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, यक्स क्यूब माइनस बारह एक्स यक्स माइनस चार और चौंसठ, तो देखिए इसको हम एक साथ हल लिख कर हल एक बार लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस चौंसठ माइनस का बारह यक्स और यक्स माइनस चार, ठीक। इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारा कुछ हल नहीं हो रहा है। अब देखिए यक्स क्यूब माइनस चौंसठ, यक्स क्यूब माइनस चौंसठ को हम लिख सकते हैं यक्स क्यूब माइनस चार का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस होता है इसमें ए बी यानी चार एक्स और प्लस का बी स्क्वायर यानी सोलह, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी यक्स माइनस चार फिर यक्स स्क्वायर प्लस का चार एक्स प्लस का सोलह माइनस का बारह एक्स यक्स माइनस चार। अब देखिए यक्स माइनस चार यक्स माइनस चार कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो यक्स माइनस चार जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का सोलह और इसमें बचा माइनस का बारह एक्स, स्थिर था, ठीक, माइनस का बारह एक्स माइनस का बारह एक्स। अब देखिए ये आ गया यक्स माइनस चार और ये देखिए यक्स स्क्वायर प्लस का कितना सोलह और चार में से बारह एक्स गया, चार एक्स में से यानी माइनस का आठ एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स माइनस चार और इसे लिख सकते हैं यक्स माइनस चार का होल स्क्वायर। देखिए कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स माइनस चार और यक्स माइनस चार, इसको दो बार लिख सकते हैं यक्स माइनस चार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रसारित रूप में लिखिए, क्यूब लिखा है तो इसका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो देखिए अच्छे से समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, फिर ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अब इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा आठ एक्स क्यूब प्लस का वन प्लस तीन दुना छः एक्स फिर दो एक्स प्लस का वन, फिर देखिए ये हो जाएगा आठ एक्स क्यूब प्लस का वन प्लस का, इससे जब ब्रैकेट खोलेंगे छः दून बारह एक्स स्क्वायर प्लस का छः एक्स एक कम छः एक्स,
चाहे तो हम आंसर यहीं पर छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम घातों को आरोही आरोही क्रम में करें, या करना चाहे तो 8x³ + 12x² + 6। घात 3 है, 2 है, 1 है, फिर एक भी घात नहीं है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसको देखें, तो ये हो गया a³ + b³। देखिए प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। a³ - b³ - 3ab, फिर a - b, इसका हो जाएगा 8a³ - 3 × 27b³ - 3 × 6, 6 × 18ab, फिर 2a - 3b। अब देखिए ये हो जाएगा 8a³ - 27b³ - 18 × 36a²b, और माइनस माइनस प्लस, 18 × 54ab²। अब अगर चाहे यहाँ पर भी देखिए, घात ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, इसमें ए है, ठीक। तो देखिए 8a³ - 36a²b, फिर प्लस 54ab² और माइनस का 27b³। अब देखिए अगर ए की बात करें तो 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है। अगर बी की बात करें तो 1 घात, 2 घात, 3 घात। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम ये करें, आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो। अब देखिए इसको थर्ड समय, a + b³। तो देखिए a³ + b³ + 3ab, फिर a+b, इसका जब खोलेंगे तो 3 × 27/8x³ + 1, प्लस का 3 × 9/2x, फिर 3/2x + 1, ठीक। अब देखिए इसको 27/8x³ + 1 प्लस 9 × 27, 2 × 4x² प्लस का 9/2x। चाहे तो घात सीरियल करना चाहे तो ये जो प्लस का 1 है सिर्फ उठाकर बाद में रख देना, यही पर भी हम छोड़ सकते हैं a - b³। तो देखिए अच्छे से समझिए, a³ - b³ - 3ab, फिर ब्रैकेट में a - b, ठीक। अब इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा x³ - 2 × 4 × 8/27y³ - 3 × 3 तो ऊपर आ गया 2xy - 2/3y। अब देखिए अच्छे से, ये हो गया x³ - 8/27y³ - 2x²y, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस का ऊपर की गुणा हो गया 2 × 4xy² / 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखा है 99 का क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। तो a - b³ का सूत्र लगाएंगे, तो इसे लिखेंगे हम a³ - b³ - 3ab, फिर a - b, ठीक। अब देखिए इसका हो जाएगा 100 का क्यूब, यानी 2 0 2 0 2 0, टोटल 6 0 हो जाएंगे, -1 - 300 हो जाएगा, फिर 100 - 1। अब देखिए 6 0 ये हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, 10 लाख है, कितना है 10 लाख है, -1। अब 300 की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 30,000 हो गया, 4 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 300, ठीक। अब क्या करें इसको जोड़ने के लिए, सबसे पहले जोड़ने वाली संख्या एक पास लिख ले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, 10 लाख 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 लाख 300, माइनस 30,000 और 1 माइनस का है ना, तो 30,001 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दें तो देखिए 300 में से 0 1 गया, यानी ये आ गया 299, ठीक।
अब 300 देखिए यहां तक इतना तो गया घट हमारा, अब यहां पर कितना है 1000 और यहां पर है 30, तो 1030 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1030 में 1000 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 970, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया, अब बात करते हैं इसको देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1000 - 2 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर a माइनस बी। अब देखिए इसका जब होल क्यूब करेंगे तो जब यहाँ पर 2 था तो कितने हुए थे 6, और यहाँ पर 3 है तो कितने हो जाएंगे 9, 3 0 3 0 3 0 माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 3 × 6 और कितने 0 6000 हो गया, फिर माइनस 2। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 3 6 9 0 माइनस 8, माइनस 6 की जब इसमें गुणा करेंगे 6 एक कम 6 और 3 0 ये है, 3 0 ये है, ठीक, और माइनस माइनस प्लस का 6 × 2 = 12, 3 0। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, तो 100 करोड़ में जब इसको जोड़ेंगे तो ये इसकी संख्या यहाँ पर ले लेंगे यहाँ से, ठीक ठीक 4 0 फिर 12 और 3 0 माइनस, ये समझिए 8 और माइनस का ये, तो 6 0 0 0 0 0 8। अब अगर घटाएं, ठीक, तो 3 संख्या पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक, तो 3 0 है यहाँ पर, 8 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से समझिए 2000 में से 8 गया, तो 2000 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 1998, इतना सिर्फ घटा देंगे पहले, कितना बचेगा 1998 नहीं 1992 बचेगा, 1992। फिर बात करते हैं, यानी देखिए 2000 में से 8 गया घट, अब कितना है 1 है यहाँ पर, यहाँ पर 0, तो 1 तो हम ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 60, और यहाँ पर कितना बचा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, तो 10000 में से 60 जब घटाएंगे तो बचेगा 9940, ये हमारा आंसर होगा। किसी भी प्रकार से या आप कैलकुलेटर से या फिर ऊपर नीचे रखकर भी जोड़ घटा सकते हैं। अब देखिए 100 का 102 का क्यूब, तो इसे लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी, तो लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर a प्लस बी, इसका जो होल क्यूब देखिए 2 0 है तो कितने 0 होंगे 6 0, प्लस 2 का क्यूब 8, 3 × 6 100, फिर 100 + 2, अब देखें 6 0 ये प्लस 8 प्लस इसका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0, 600, 6 × 6 = 4 0 हो जाएंगे, प्लस 6 × 2 = 1200। अब देखिए अच्छे से समझिए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 10 लाख ये है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 60000, तो 10 लाख 60000 हो गया, अच्छे से समझिए 10 लाख 60000 हो गया। इसको जोड़ने पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख 60000 हो गया, फिर उसमें 1200 और जोड़ दें तो ये हो गया 60000, तो अभी हो गया 61200। अब 8 इसमें और जोड़ दें, ठीक, 10 लाख 61208 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना होता है, तो देखिए ये तो डायरेक्ट सूत्र दिया है, तो देखिए इससे तो ये लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इससे ये यानी इस एक्स प्लस वाई यहाँ पर गुणे का ऐसा लगा, इसके इसकी गुणा करें तो ये होता है, तो देखिए कैसे, तो पहले जो यक्स की है गुणा इसमें पूरे में कर दें, ठीक, तो यक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, गुणा हो गया। अब वाई की गुणा करने जा रहे हैं, तो वाई की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर जब वाई की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई गया कट, और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर गया कट,
तो आंसर आ गया यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी इसकी जो हमने गुणा कराया तो ये आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसको, पहले यक्स की गुणा करें, तो यक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब, फिर यक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का यक्स स्क्वायर वाई, फिर यक्स की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स वाई स्क्वायर, अब वाई की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का यक्स स्क्वायर वाई, वाई की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का यक्स वाई स्क्वायर, और वाई की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए यक्स स्क्वायर वाई, यक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का वो माइनस का, यक्स वाई स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, तो आ गया यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका मतलब अगर इसकी इसकी गुणा करा दें तो होता है यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही हमको सिद्ध करना था। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, तो देखिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो इसको अच्छे से समझिए, 27 को हम लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब, इसको जब हम खोलेंगे तो यही हो जाएगा, प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब, 125 जेड क्यूब को हम इस प्रकार ले सकते हैं। अब देखिए a क्यूब b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 3y गुणे 5z। अब देखिए इसका तो यही होगा 3y प्लस 5z, इसको देखिए 9y स्क्वायर प्लस का पचम 25z स्क्वायर माइनस का 3 पचे 15y z, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसको लगाया 64 को लिखेंगे 4m का होल क्यूब, और 343 n क्यूब को लिखेंगे 7n का होल क्यूब, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में सब स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी सब प्लस का होता है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे 4m माइनस 7n, और ये आ गया 4 × 16m स्क्वायर प्लस 7 × 49n स्क्वायर प्लस 4 × 7 = 28m। ठीक, अब बात करते हैं गुणनखंड कीजिए इसके, गुणा करें तो 8 जोड़े घटाए तो इतना आ जाता है, देखिए x की घात 6 माइनस 8x क्यूब प्लस x क्यूब, यक्स क्यूब में से 8x क्यूब जाएगा तो माइनस का 7x क्यूब आ जाएगा, माइनस का 8, इसमें कामन कितना है यक्स क्यूब, तो इसमें आ गया यक्स क्यूब माइनस का 8, इसमें कामन कितना है प्लस का 1, तो ये आ गया यक्स क्यूब माइनस का 8, तो एक ब्रैकेट में आ गया यक्स क्यूब माइनस 8, अगले ब्रैकेट में आ गया यक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो हल भी कर दे, यक्स क्यूब माइनस 8 जो लिखा है, यक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का, देखिए माइनस वाले में प्लस होता है यक्स वाई, इसका गुणा करेंगे तो 2x। ठीक, एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी, इसको समझिए अच्छे से, एक ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में माइनस होता है ए बी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको समझते हैं गुणनखंड कीजिए, इसमें ए का मान ले लेंगे, तो ये आ गया ए की घात 6 प्लस बी की घात 6, ए लिखा, ए की घात 6 को लिखेंगे ए ए स्क्वायर की घात 3, और बी को लिखेंगे बी स्क्वायर की घात 3। अब देखिए घात 3 लिखा है, तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a की घात 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो b की घात 4 माइनस ए बी, इसकी इसकी गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस zx क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xyz का, इसका गुणनखंड करना है, जबकि हमको सूत्र पता है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में बन जाए तो सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस सूत्र बन जाएगा।
तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, 27x³ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x³ प्लस y³ प्लस z³, यानी ये है बन गया a और ये है हमारा b, ये है c, माइनस 9xyz को अच्छे से समझिए, 3a b c। अब देखिए 3 9xyz, यानी a³ b³ c³ माइनस 3abc, यानी a का मान कितना है 3x और b की जगह कितना लिखा है y और c की जगह लिखा है z। देखिए बन रहा है कि नहीं, a³ b³ c³ माइनस 3abc, ठीक। तो अब हमको सूत्र बना देना है इसी प्रकार से, ठीक। ये जब ये रूप बन गया ये वाला, ठीक, तो ये हमको सूत्र लगाना है। तो a की जगह 3x लिखा है, b की जगह y लिखा है, c की जगह z लिखना है। a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी, बी का मान y प्लस सी, ठीक। a प्लस बी प्लस सी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, माइनस ए बी 3xy माइनस बी सी, बी और सी की गुणा करेंगे यानी वाई जेड, माइनस सी ए जेड गुणे 3x की, ठीक, समझ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी की गुणा होगी ए बी, ठीक, फिर माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया 3 9x² वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3zx, यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 14 नंबर। फिर प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2x+y+z और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अच्छे से समझिए, इसको हल करके ये लाना है। तो अच्छे से समझिए, 1/2, ठीक, तो हम इसको यहाँ से लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल जाएगा। अब देखिए इसको खोलने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर इसको समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर इसको समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। अब देखिए 1/2 यक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखिए यक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x² वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y² जेड स्क्वायर 2z², ठीक। अब फिर आ गया माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ठीक। अब देखिए सब में दो दो लिखा है, दो कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें दो कॉमन आ गया, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक। अब देखिए अच्छे से समझ, ये दो से दो गया कट, इसीलिए सूत्र इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही बन गया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ नेम को लाना, तो ये वाला। अब देखिए अच्छे से यक्ष की गुणा इस पूरे में कर दें, तो यक्ष की जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्ष क्यूब, फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया यक्ष वाई स्क्वायर प्लस यक्ष जेड स्क्वायर, थोड़ा संभाल के लिखना गलत हो सकता है, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्ष स्क्वायर वाई, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस, इसमें जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर जेड, ठीक, फिर वाई की जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर हो जाएगा वाई क्यूब, फिर हो जाएगा इसमें जब गुणा करेंगे वाई जेड स्क्वायर, फिर जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर
और फिर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक, अब जेड की गुणा करने जा रहे हैं, जेड की इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, फिर जेड की जब इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर, फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड क्यू, फिर जेड की जब इसमें गुणा करेंगे जेड एक्स वाई, तो लिखेंगे माइनस का एक्स वाई जेड, फिर जेड की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर, फिर जेड की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसमें जेड स्क्वायर हुआ था, इसमें भी जेड स्क्वायर हो रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं अच्छे से एक्स वाई स्क्वायर, देखिए कहीं मिल रहा है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर देखें ये प्लस का है और ये माइनस का, ठीक, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, देखिए यहां पर मिल गया, ठीक, आगे पीछे लिखा एक्स जेड स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, माइनस के, फिर एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, देखिए जेड एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर, प्लस का ये, प्लस का ये माइनस का। अब देखिए वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर ये माइनस का और ये वाई जेड स्क्वायर प्लस का, ठीक। अब देखिए जेड वाई स्क्वायर, ये देखिए जेड वाई स्क्वायर ये प्लस का, ये सॉरी उल्टा हो जाएगा। अब देखिए और कहिए एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड, वाई क्यूब, देखिए एक्स वाई जेड बचा जेड वाई स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर, ठीक। तो इसमें देखिए कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, देखिए जेड की जब लास्ट में देखते जेड की दूसरे वाले से गुणा हुई है यहाँ पर, तो जेड स्क्वायर वाई हुआ, ठीक, फिर जेड स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक, और ये किसके आया है, ये आया है वाई से, तो वाई की जब इसमें गुणा हुई है तो वाई स्क्वायर जेड, ठीक। तो बचे कितने पद, देखिए हमारा बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गया तीन एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है वो क्या है, देखिए यहाँ पर हमने गलती की, वाई जेड स्क्वायर और ये कटा है इसके साथ नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए वाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर वाई, देखिए वाई जेड स्क्वायर के साथ कौन कटेगा, वाई जेड स्क्वायर ये वाला, ठीक, और ये जो वाई स्क्वायर जेड के साथ कटेगा वाई स्क्वायर जेड ये वाला, ठीक। अब हमारा आंसर आ गया, ठीक, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक। परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये नहीं कि 12 का क्यूब करना है, 12 का 1728 होता है, 7 का 343, 5 का ये नहीं करना है, घनों का परिकलन किए बिना। अब देखिए 5 का क्यूब लिखा, 7 का क्यूब लिखा है और ये 12, तो ये ए बी सी अगर इनको जोड़ने पर 0 आ जाए तब हमारा सूत्र डायरेक्ट 3AB होता है, ठीक। यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर इनको जोड़ने पर 0 आ जाए तो हमारा आंसर होता है सिर्फ 3ABC, ये वाला सूत्र होता है। तो देखिए तीनों को जोड़े ए बी सी, तो 5 और 7 12, 12 में से 12 गया यानी 0, तो हमारा सिर्फ 3ABC होगा, और जो प्लस माइनस लगा है वो लगा रहने देंगे, अच्छे से समझिए। तो 3A का मान कितना है, माइनस का 12, और B का मान 7 और C का मान 5। अब इसकी गुणा कर दें, तो देखिए गुणा करने के लिए आसान करें, 12 पंचे 60, ये हो गया माइनस का 60 गुणे 7 त्रुक 21। अब 21 और 60 की गुणा करें तो 6 एक कम 6 और 6 दून 12, 1260 माइनस का 1260, या डायरेक्ट अगर गुणा कर सकते हो तो गुणा कर लेना डायरेक्ट, इसकी 3 गुणे 12 सत्ते 84, ठीक, 12 ते 36 सत्ते, आपको पता है तो कर लेना, ठीक। यहाँ पर समझिए अच्छे से, ए बी सी तीनों को जोड़ें, देखिए 28 में से 13 और 15 कितना हुआ, माइनस का 28, 28 0, यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो 3ABC आंसर होता है। तो लिख देते हैं 3A कितना है 28, और निशान सही लिखेंगे
और बी कितना है माइनस का 15 और सी कितना है माइनस का 13। ठीक, अब देखिए 28 और 15 की पहले गुणा कर लें और 13 तीन 39 इसकी गुणा कर लें, तो टोटल जब हम गुणा करेंगे तो 16380 आएगा। ठीक, करके देख लेना, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए आयतों जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो पहले इसका गुणनखंड करके देखते हैं, 25 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 25 दाम 250 और 25 दाम 50 यानी 300, और इसको बीच वाले को तोड़े कि 300 आ जाए। तो देखिए 25a² माइनस, इसको लिखेंगे 20a - 15a, 20 और 15 की जब गुणा करेंगे तो 300 होता है, प्लस का 12, तो इसमें कामन कितना है, a तो कामन है ही और 5 भी कामन है, तो इसमें बचा 5a माइनस 5 × 20, इसमें कामन कितना है 3, वो भी माइनस का, 3 × 15 माइनस का 4। अब एक ब्रैकेट में आ गया 5a - 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 5a - 3। अब यहाँ पर कह रहा है लंबाई चौड़ाई बताइए, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई संभव बताना है, ठीक, ऐसा जो है कि ये सही ही हो। अब लंबाई देखिए कितना है, 5a की जगह कुछ भी रख दे, मान लो 10 रख दे, 5 × 10 = 50, 50 में से 4 गया और 50 में से 3 गया, कौन ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा, 50 में से 3 गया और 50 में से 4 गया, तो लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक, आयत में जैसे मान लो बनाइए, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है आयत में। ठीक, और संभव इसलिए है क्योंकि अगर ए की जगह बहुत कम रखा जाए, अगर एक रखा जाए, दो रखा जाए, चलो मान लो 5 × 10, 10 में से 3 गया 6 और 5 × 10 में से 4 गया। ठीक, यही आए। ठीक, अब इसमें देखें, इसमें थोड़ा गुणा करते हैं, तो देखिए 35 और 12 की गुणा करेंगे तो 35 × 350 और 35 × 70 यानी 420 आ गया, तो 35y² और माइनस, इसको उसी प्रकार से तोड़ना है, तो 28y - 28 में से 15 जाएगा, 28 में से 15 जाएगा 13 और 28 और 15 की जब गुणा करेंगे तो होता है 420, वही माइनस का 12, इसमें कामन कितना है, वाई कामन है और 7 कामन है, तो 7 × 35 यानी 5y प्लस, इसमें कितना बचा, 7 × 28, इसमें कामन लेंगे माइनस का 3, तो ये आ गया 5y और प्लस का 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया 5y + 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 7y - 3। अब बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई होगी हमारी 7y - 3 और चौड़ाई होगी 5y + 4। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर y एक या दो रखते हैं तब तो हमारा गलत आएगा, और वो एक दो के अलावा कुछ भी अगर y के जगह रख दें तो लंबाई हमेशा ज़्यादा ही आएगी। मान लो अगर 3 रखते हैं, 7 × 21 में से 3 गया 18 और 5 × 15 = 19, यहाँ पर ज़्यादा होगी, 1, 2, 3 तक तो ज़्यादा हो रही है, ये वाली चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। अगर 5 रखते हैं, 7 × 35 में से 3 गया 32 और 7 × 35 = 39। ठीक, तो लंबाई कौन सी, 7, ठीक, 7 रखते हैं, 7 × 49 में से 3 गया 46 और यहाँ 7 रखते हैं, 7 × 35 = 4 = 49, यानी कौन ज़्यादा है, यानी यही लंबाई हमारा ज़्यादा आ रही है बार बार। 155 × 55 - 55 - 55 बटे में लिखा है 155 × 155 + 55 × 55 + 55 × 55, तो देखिए अच्छे से समझिए, 155 का क्यूब हो जाएगा और 55 × 55 × 55 यानी 55 का क्यूब। देखिए ये हो गया 155 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब, तो जब क्यूब बन गया तो एक ब्रैकेट में होता है a - b, अगले ब्रैकेट में होता है a² यानी हम लिख सकते हैं 155 × 155। देखिए तीन बार लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 155³ और ये 55 को लिख सकते हैं 55 का क्यूब। अब देखिए 101 ब्रैकेट में होता है a - b, अगले ब्रैकेट में a² + ab 155 × 55 + b² यानी 55 × 55, बट्टे में जो लिखा है वो हमारा पूरा मिल गया 155 × 155 + 55 × 55 + 55 × 55 55। अब देखिए ये जो है हमारा पूरा इससे गया मिल, ठीक, तो कितना आ गया, 155 में से 55 गया यानी आंसर आ गया हमारा 100। अब बात करते हैं 18 नंबर की, वही सूत्र, ये है a
ये है बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, समझ गए अच्छे से, एक है ए और ये है बी, तो प्लस वाले में प्लस, देखिए ए ठीक ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, फिर माइनस, प्लस वाले में माइनस होता है टू ए प्लस वन गुणे ए माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो टू ए और ए कितना हो जाएगा थ्री ए, और वन में से वन गया कट गया यानी इतना आ गया। अब देखिए इसको हम खोलने जा रहे हैं, तो यार ये हो गया फोर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कितना हो गया फोर ए माइनस, ठीक। ये देखिए यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, टू ए और ए की गुणा होगी टू ए स्क्वायर, फिर टू ए की इसमें गुणा होगी माइनस का टू ए, फिर वन की इसमें गुणा होगी माइनस प्लस का ए और वो माइनस का वन, फिर प्लस का, इसको समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। अब देखिए ये हो गया थ्री ए गुणे फोर ए स्क्वायर प्लस का वन प्लस का फोर ए, अब देखिए यहाँ पर समझे माइनस से ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, माइनस का टू ए स्क्वायर प्लस का टू ए माइनस का ए प्लस का वन, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू ए, थ्री ए गुणे फोर ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर गया कितना बचा टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जुड़ गया यानी ये आ गया हमारा थ्री ए स्क्वायर। अब देखते हैं ए की बात करें, फोर ए और टू ए कितना हो गया छः ए, और छः ए में से दो ए गया कितना बचा चार ए, वो भी किसका प्लस का, क्यों क्योंकि चार और दो छः और छः में से दो गया, या हम कह सकते हैं दो दो ए प्लस का ए माइनस का गया कट। अब बात करते हैं संख्या की, एक दो तीन, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर गलती हो गई, टू ए कट गया लेकिन फोर ए में से ए गया, तो यहाँ पर कितना बचा थ्री ए, बस ये मिस्टेक होगी, ये हमारा आंसर हो गया थ्री ए, फिर गुणे माइनस चार, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस बारह एक्स वाई प्लस चौंसठ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हमको पता है और इसका निकालना है, तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की घात तीन बराबर माइनस चार की घात तीन, ए प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, फिर ए प्लस बी, और इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का चौंसठ, ठीक। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस तीन एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान हमको पता है माइनस का चार बराबर माइनस का चौंसठ, तो ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब देखिए इसकी गुणा करने जा रहे हैं, तो माइनस का बारह एक्स वाई, और ये माइनस का चौंसठ इधर लाएंगे प्लस का चौंसठ, तो इधर कितना बचा जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस बारह एक्स वाई प्लस चौंसठ, इसका मान कितना आ गया जीरो, यही हमसे मान पूछ रहा था। हित में से प्रत्येक के गुणन खंडन कीजिए, तो देखिए आठ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बारह ए स्क्वायर बी छः स्क्वायर, अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, देखिए आठ ए को इसको ले सकते हैं टू ए का होल क्यूब, और बी को ले सकते हैं बी का क्यूब, प्लस इसको जो तोड़ना है थ्री ए बी के हिसाब से तोड़ना है, देखिए अच्छे से समझना थ्री, ठीक ए बी, या समझिए अच्छे से थ्री ए और बी, थ्री ए बी, अब ये हुआ कितना ये समझिए, तीन दुना छः, छः ए बी हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है छः ए बी कामन ले रहे हैं, अच्छे से समझना इसमें, ठीक। तो छः ए बी जब कामन लेंगे तो छः जो हमने लिया तो यहाँ पर बचा टू, और ए बी कामन ले लिया तो ए बी यानी ए बच गया, प्लस छः ए बी जब कामन लिया तो इसमें बी बच गया, ठीक। यहाँ पर समझिए आठ ए क्यूब को ले सकते हैं टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस इसमें देखिए कामन लिया तीन दुना छः ए बी जब हम कामन ले लेंगे, ठीक। तो ये अब ही हमारा बन गया सूत्र, किसका सूत्र बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया।
यहाँ पर भी उसी प्रकार से समझिए, आठ ए क्यूब लिखा, इसे लिख सकते हैं टू ए का होल क्यूब, और बी को लिख सकते हैं माइनस का, बी क्यूब माइनस का, यहाँ पर वही समझिए, प्लस था तो प्लस और माइनस है तो माइनस का, कितना देखिए छः ए बी कामन लिया तो यहाँ पर बचा छः दून बारह ए, माइनस का बचा कितना बी, तो इसे लिख सकते हैं टू ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस छः को लिख सकते हैं तीन गुड़े टू ए गुड़े बी, थ्री ए बी, फिर ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारा टू ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको समझते हैं, 27 को लिखेंगे तीन का क्यूब माइनस पाँच ए का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी बनाने जा रहे हैं, थ्री ए बी कितना हो गया, तीन तीन नौ पच्चे पैंतालीस, और पैंतालीस तिया होता है, पैंतालीस तिया 105। अब देखिए प्लस यहाँ पर समझिए तीन गुड़े पाँच ए, तीन तीन नौ पच्चे पैंतालीस, और पैंतालीस कितने होते हैं, पैंतालीस पंचे होता है ठीक, पाँच ए। अब देखिए अच्छे से, इसमें तीन का क्यूब माइनस पाँच ए का होल क्यूब माइनस, इसमें देखिए ये कामन मिल रहा है पूरा पूरा, तीन गुड़े पाँच ए, तो इसमें बचा तीन, इसमें बचा माइनस का, जब कामन ले रहे हैं तो माइनस का पाँच ए। अब देखिए ए क्यूब तीन क्यूब माइनस पाँच ए क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, तो ये सूत्र बन गया हमारा थ्री माइनस पाँच ए का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं पाँचवा चौथा पॉइंट, चार ए क्यूब, इसको लिख सकते हैं चार ए क्यूब, चौंसठ को लिख सकते हैं चार ए क्यूब। फिर देखते हैं 27 को लिख सकते हैं माइनस का 3b का होल क्यूब माइनस, इसको देखिए लिख सकते हैं 3ab ठीक, तीन चक्कू 12 या 36, 36 चक्कू होगा ठीक, यह समझिए इतना कामन ले रहे हैं, तीन चक्कू 12 या 36 ab कामन ले रहे हैं, तो बचेगा किसमें, इसमें कामन ले रहे हो भी माइनस का कामन ले रहे हैं, तो बचेगा हमारा 4a माइनस का 3b ठीक, आप करो या ना करो उतना ही बचेगा, क्योंकि 36 जो कामन लेंगे 36 दिया 108, और ए बी कामन लिया है तो बी बच गया, और यहाँ पर ठीक। अब ये हो गया सूत्र हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए अच्छे से, 27 को लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब माइनस, इसको तोड़ने जा रहा 3ab बनाने में, 3ab। अब देखिए इतना बन गया, लेकिन हमको लाना कितना है 9/2p² तो गुणा करना पड़ेगा 3p से ठीक। अब देखिए कैसे, 3 + 9 = 27, या 3 से अगर हम काट दें इसको तो कितना आ गया 2, 3 + 9 p² / 2 आ गया ना, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा रहने दें ठीक। फिर प्लस का 1/4 लाना है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, पहले ये जो सेम टू सेम संख्या लिखी लिख दें ठीक, कई तरीके हैं, जो तरीका समझ में आए, गुणे कितना कर दें कि 1/4p आ जाए, तो 1/6 से गुणा करा दें, 3ab, फिर 1/6। अब देखिए कैसे आ रहा है कि नहीं, 3 + 9 और 9 को 6 × 36 काटे, 9 और 36 यानी बटे में आ गया 4। अब देखिए 3p³ माइनस 1/6³ माइनस 3 × 3p × 1/6 कामन मिल रहा है दोनों में, तो इसमें बच गया 3p और इसमें बच गया माइनस का 1/6, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी की घात 3, ये हमारा आंसर हो गया। जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। फिर देखते हैं इसमें आयतन इतना दिया है, तो इसको देखिए इसमें कामन कितना है, इसमें कामन है 3 कामन है, तो इसमें आ गया x² - 4। अब देखिए 3 लिखा है, x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ गया a + b, एक ब्रैकेट में आ गया a - b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ गई। इसमें देखिए कामन क्या है, इसमें 4k कामन है, जब 4k कामन लेंगे तो 4 × 12 y² प्लस 4 कामन ले चुके हैं, तो 4 × 2 = 8 y माइनस 4 × 5 = 20। अब देखिए 4k इसके गुणनखंड करना है,
तीन पचे पंद्रह, तीन वाई स्क्वायर प्लस का इस प्रकार तोड़ना है कि दो आ जाए, पाँच वाई माइनस तीन वाई, पाँच वाई में से तीन वाई गया कितना बचेगा दो वाई, माइनस का पाँच, इसमें कामन कितना है सिर्फ वाई, तो ये आ गया तीन वाई प्लस पाँच, इसमें माइनस एक कामन ले लेंगे तो तीन वाई प्लस पाँच, तो एक ब्रैकेट में आ गया तीन वाई प्लस पाँच और एक ब्रैकेट में आ गया वाई माइनस एक, और साथ में जो चल रहा था फोर के, ठीक फोर के यानी संभव व्यंजक आ गया फोर के तीन वाई प्लस पाँच वाई माइनस वन। एक्सरसाइज 2A 12 द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।